दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों की 52,24,00,000 की संपत्ति को जब्त कर लिया। इस खबर के सामने आने के बाद से ही राष्ट्रीय राजधानी में ये मुद्दा गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जमकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। बता दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से आप आदमी पार्टी के मुखिया और अरविंद केजरीवाल वाल के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, काहे जनता को घुमा रहे हो अरविंद केजरीवाल जी, प्रॉपर्टी अटैच हुई है घोटाले की वजह से, अभी तो बहुत रिकवरी बाकी है, चिंता ना करो आपसे भी रिकवरी होगी। वैसे ये तो बताओ, अगर केस में कुछ नहीं है तो मनीष सिसोदिया की बेल क्यों बार बार रिजेक्ट कर रहा है कोर्ट, आप तो अपने दिन गिनो, आपका नंबर भी आएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट मनीष सिसोदिया की संपत्ति से जुड़ा था, जिसमें वो बता रहे थे मनीष सिसोदिया की सिर्फ 80,00,000 की ही संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया। आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पर झूठी खबर चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया को 52,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है उसके कागजात ये रहे, टोटल 80,00,000 की संपत्ति जब्त की है, वो भी 2018 के पहले की, जब एक्सरसाइज नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति एक नंबर की है, डिक्लेयर्ड। बताते चले कि शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्यों की करीब 52,24,00,000 की संपत्ति कुर्क की। ईडी के मुताबिक इस 52,00,000 की चल अचल संपत्ति में 7,29,00,000 रुपए की दो प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया, साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के लैंड और फ्लैट शामिल हैं। इस अटैचमेंट में 42,29,00,000 रुपए की कैश और चल संपत्ति है, जिसमें 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16,45,00,000 रुपए विंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं।